मैं जेवीए न्यूज़ से गीता पटेल। आज मैं हूँ सीएसटी में, जहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे आंदोलन हो रहा है ऐसे डोमेस्टिक वर्कर के लिए, उनके हक के लिए, आशा वर्कर के लिए। तो हमारे साथ में सर आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे? सर आप कोई पार्टी से हैं या? मैं आगरी और कोली समाज से, ओबीसी समाज से। तो आप किस हक के लिए लड़ाई, आंदोलन किस हक के लिए हो रहा है? ओबीसी आरक्षण की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। ओबीसी को पूछे बिना आज महाराष्ट्र शासन, मराठा समाज जो सामाजिक मागास नहीं है, उनको आरक्षण देने की कार्रवाई महाराष्ट्र सरकार कर रही है, उसके निषेध में हम इधर खड़े हुए। आप सारे के सारे ओबीसी समाज से हैं? ओबीसी समाज से। तो आप लोगों का ये मुद्दा है कि ओबीसी को भी आरक्षण में लिया जाए? नहीं, ओबीसी को पहले से आरक्षण है। ओबीसी में मराठा समाज को, जो सोशली बैकवर्ड नहीं है, उनको आरक्षण देने की तैयारी चालू है, इसके लिए विरोध के लिए हम इधर खड़े हैं। तो आज आपका ये आंदोलन किस हद तक, मतलब किस हद तक गया पूरा, आपको क्या लगता है? शासन को मैसेज गया, अच्छा मैसेज गया, और हमको लोगों के प्रति आदर है कि लोग बहुत संख्या से यहाँ आ गए, पूरे कोंकण से लोग आए थे। जी जी सर। तो अभी आपके यहाँ पे कितने व्यक्ति हैं, मतलब आप कोई पार्टी को बिलोंग कर रहे हैं? सिर्फ ओबीसी पार्टी का नहीं है, ओबीसी समाज के लोग हैं। कितने लोग आए सर अभी? ये बहुत 5-10 हज़ार लोग थे।